तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि मेरा मंगल ग्रह पे आना जाना लगा रहता है। तो अपनी पिछली 5 मिनट क्राफ्ट हैक्स और ट्रूम ट्रूम पे वीडियो डालने के बाद फॉर द लास्ट टाइम एवर मैं फिर से निकल लिया मंगल ग्रह की ओर। इतनी शांति, इतना चैन। मंगल ग्रह के सन्नाटे में मैं अपना नया फेवरेट सॉन्ग एंजॉय कर ही रहा था। कि तभी अचानक मेरे फोन पे एक नोटिफिकेशन आई। धरती पे पाप और अत्याचार अपनी चरण सीमा पर पहुंच चुका था। ड्रोम ड्रोम और 5 मिनट क्राफ्ट्स वालों का 1-2-3 गो नाम का एक भाई इंडिया में ट्रेंडिंग पे था। जी हाँ गाइस, इंडिया में ट्रेंडिंग नंबर 2 पे। मेरे लोगों को मेरी जरूरत थी, इस धरती को मेरी जरूरत थी, क्योंकि ये धरती मेरी माँ है, ये धरती मेरी माँ है। तो मैं उठा और निकल लिया वापस पृथ्वी की ओर। हे एमिली, क्या देख रही हो? हे, तुम्हें मेरे केले में से बाइट लेने के लिए किसने कहा? ये बहुत अजीब था, सच में। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों को याद है या नहीं, लेकिन जब मैंने ट्रूम ट्रूम पे वीडियो बनाई थी तो उसमें भी जो बैकग्राउंड में वॉइस ओवर कर रही थी वो सेम लड़की ये 1-2-3 को वालों की भी वीडियो वॉइस ओवर कर रही है। एक केला है, मैं आपको वॉइस ओवर करके दिखा रही हूँ। सच में? वही इरिटेटिंग सी कानों में चुभने वाली आवाज। एक्चुअली वो कौवे जैसी आवाज के लिए एक प्रॉपर वर्ड होता है वो हिंदी का। 2000 years later. कर्कश। जी हाँ गाइस, क्या बढ़िया वर्ड है ना, कर्कश आवाज जो दीदी जी की हमारे कानों में चुभ रही है, उसको एक मिनट के लिए इग्नोर करो और एक बार इस लड़की को देखो। मतलब ये अपना केला यूं पकड़ के बैठी हुई है सामने वाली लड़की के मुंह के सामने, बिल्कुल ऐसे कि ये ले ले तू खा ले, और फिर जब वो खा जाती है तो ओह माय गॉड, इसने तो मेरा केला खा लिया। सच में? अभी मैं इसको प्रैंक करूंगी, आइए देखते हैं फिर क्या कमाल का प्रैंक करने वाली है ये दीदी जी। अगली बार अगर आपका दोस्त आपकी चीज चुराने की कोशिश करे तो उन्हें कुछ ऐसा दे जो वो कभी भूल ना पाए। एक गंदी सॉक, बहुत अच्छा। अब मेरे केले में से एक और बाइट लेकर दिखाओ बदतमीज। इल्ख, क्या ये गंदी सॉक्स है? अद्भुत अद्भुत, वाह वाह वाह, तालियां बजती रहनी चाहिए गाइस, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये प्रैंक जो है ये हमारी जीवन के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि गाइस देखिए स्कूल कॉलेज में क्या होता है, हमारा टिफिन बॉक्स खुलते हैं, हमारे जो लुटेरे दोस्त होते हैं वो हमारे टिफिन पे हाथ मार लेते हैं। लेकिन आज के बाद आपको क्या करना है, अपनी जुराब निकालनी है, वो जुराब जो आपने एक हफ्ते से उतारी नहीं है वो लीजिए और उस खाने में डाल दीजिए। उसके बाद आपका दोस्त वो नहीं खा पाएगा, वो पता लगे कि आप भी नहीं खा पाओगे, बट फर्क क्या पड़ता है, आप भूखे रहो लेकिन उस कमीने दोस्त को वो खाना नहीं मिलेगा। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा लें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप गोनी। हर साल कई लोग इसी तरह अपने भाई बहन के द्वारा खाना चुराए जाने के शिकार होते हैं। अगर आप भी उन शिकारों में से एक हैं, तो घबराइए मत, 1-2-3 गो का ये प्रैंक आपकी जिंदगी बचा सकता है। प्रैंक। अब ये चिप्स, ये क्या, मैं भी नहीं खा सकता। प्रैंक। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह 1-2-3 गो प्रैंक्स ने इस इंसान की जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों सावधान रहिए। अरे कैमरा पीछे है। ओ माफ कीजिएगा, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद। जब जाने की जरूरत हो तो जिंदगी के सबसे जरूरी सवाल सोचने का समय होता है। लाना इधर आओ, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम मुझे मेरा फोन दे सकती हो प्लीज? ठीक है रुको। यार ये जो बैकग्राउंड में बोलती है ये क्या बोलती है? जब आपको जाने की जरूरत हो। जब जाने की जरूरत हो? अरे कहना क्या चाहते हो? शी मेंट टू से जब आपको बाथरूम जाने की जरूरत हो। और एक बात बताओ, ये बाथरूम का दरवाजा खोल के कौन पॉटी करता है? नहीं मतलब चिल्लाया तुमने ला ना, और उसकी दोस्त इतना मजे मजे, ओ मेरी अंडर फ्रेंड जो है वो पॉटी कर रही है, हेलो
अरे भाई पॉटी कर रही है वो अंदर, दरवाजा खोल के इतनी खुशी खुशी से कौन हेलो बोलता है। आखिरकार वो मेरे पास 20 मैसेजेस पड़े हैं। क्या हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। हे लाना, अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम प्लीज मेरा चार्जर ले आओगे? ये 2% पे है देखो। ओह माय गॉड, उसने जब फोन की स्क्रीन को ऐसे स्क्रॉल करते हुए बोला ना अंधेरा हो रहा है। क्या हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। मैं एक सेकंड के लिए कंफ्यूजन में पड़ गया, भाई कहाँ अंधेरा हो रहा है, क्या हो रहा है। वो बाद में समझ आया, कह रही है फोन की बैटरी खत्म हो गई है। फोन की बैटरी खत्म होने को अंधेरा होना कौन कहता है? कौन है ये लोग? बाहर अंधेरा हो रहा है। अब मैं मजाक कर रहा हूँ, फोन की बैटरी कम है। तारे जमीन पर आ रहा है। शुक्रिया। ओ, लगता है यार टॉयलेट पेपर खत्म हो गया। लाना क्या तुम इधर आ सकती हो? अब क्या? ओके गाइस, तो अभी हमें फाइनली पता चलने वाला है कि प्रैंक क्या है इसमें। लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को वार्न कर दूं कि ये प्रैंक सिर्फ अंग्रेजों में ही पॉसिबल है। मतलब एक बंदा अंदर बैठा हग रहा है और कोई भी दरवाजा खोल के अंदर चला आता है। लाना ये कैसी है, अंधेरा हो रहा है। ये हमारे यहाँ पे नहीं चलता। मतलब तुम इमेजिन करो एक बाथरूम जिसमें कोई भी अंदर बाहर कभी भी अपनी मर्जी से घुस आता है। हेलो, एक्सक्यूज मी यार, चीजू क्या कहाँ आ रहे हो? आपको दिख नहीं रहा कि अंदर पॉटी कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ यार, बाल सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे दिख नहीं रहा इंसान, यहाँ पे हल्का और आपको बाल सेट कर रही हूँ। अबे तू कहाँ से आ गया? अंग्रेजों में चलता होगा ये, हमारे यहाँ नहीं चलता ये सब। तो मचा रखी अरे क्या, अरे तुम यहाँ रह लो, मैं जाता हूँ यार। नहीं तो ये हमारे यहाँ पे तो चलने नहीं वाला, ये सिर्फ इन अंग्रेजों में ही चल सकता है। तो आइए देखते हैं फिर वो प्रैंक। इसके लिए आपको एक लिंट रोलर और एक टॉयलेट पेपर का रोल चाहिए। आखिर में आपको चाहिए ब्लू ड्रायर प्लग लगा कर। हाँ ये रहा टॉयलेट पेपर तुम्हारी तरफ आते हुए एमी। टॉयलेट पेपर अटैक। एमी क्या तुम अंदर हो? मुश्किल से। क्या ये प्रैंक है? इससे ज्यादा अच्छा प्रैंक तो मेरी गली का कुत्ता गूफी कर लेता है लोगों के घरों के आगे मूत के, और इनको ये टॉयलेट पेपर फेंकना ब्लो ड्रायर से, ये प्रैंक लगता है। ये कोई प्रैंक होते जो हमारे इंडियंस करते हैं, गोल्ड डिगर फरारी प्रैंक, किसिंग प्रैंक, भूत प्रैंक, ये होते हैं प्रैंक। और इस वीडियो पे भाई कमेंट्स पढ़ो तुम। विक्की लाना सो ब्यूटीफुल, विक्की लाना एमिली सो ब्यूटीफुल, लाना विक्की सो ब्यूटीफुल, एमी विक्की लाना ओलिविया सो ब्यूटीफुल, एमी विक्की लाना सो ब्यूटीफुल, एमी विक्की लाना ब्यूटीफुल, एमी लाना ब्यूटीफुल, माय फेवरेट एमी विक्की लाना सो ब्यूटीफुल, ट्रिगर्ड इन सांचू ड्रोसिस। आई एम डूइंग दैट। मुझे तुम्हें सुबह की एक मजेदार बात बतानी है। लिली क्या तुम मुझे सुन रही हो? हेलो, कोई घर पर है? ठीक है मैं बात करना बंद कर दूंगी। हाँ बैटरी खत्म। वैसे मैं अपने लिए बुरा महसूस करके बैठूं या चीजें मजेदार बनाऊं? ये प्रैंक बहुत आसान और बहुत जीनियस है। आपको सिर्फ एक आउटलेट की तस्वीर चाहिए इस तरह से, और पीछे की तरफ डबल साइडेड टेप लगाना ना भूलें। मिल गया, मैं इसे कैसे भूल गई? हाँ ये अंदर क्यों नहीं जा रहा? हाँ, बहुत मजा आ गया एमी। वाओ क्या अमेजिंग प्रैंक है गाइस। आप अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन आपका दोस्त आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है और आपको बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो आपको बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहा है। फिर अचानक से उसके फोन में बैटरी खत्म हो जाती है, फिर वो अपने बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग पॉइंट ढूंढता है। इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस शुरू होने के बाद आपके बैग में से अचानक से एक फोटो निकल आती है उस चार्जिंग पॉइंट की, जिसको आप दीवार पर लगा देते हैं। और फिर आपका दोस्त जो कि है ही अकल से बेवकूफ है, वो उस चार्जिंग पॉइंट को असली चार्जिंग पॉइंट समझ के प्लग इन करने जाता है, और फिर आप उसके ऊपर उल्लू बनाए आप बड़ा मजा आया करते हैं। व्हाट अ प्रैंक। ओ भाई मजा आ गया भाई, नाचो भाई, भाई नाचो, मैं कह रहा हूँ आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, छा गए गुरु भाई, तबाह कर दिया आग। ऐसा प्रैंक भाई जिंदगी में कभी किसी के साथ हो गया नहीं। बट ठोको ताली। ये पॉपकॉर्न से मुझे प्यास लग रही है। हाँ ये खत्म हो गया। ओहो मैं उठकर और लाना नहीं चाहती, मैं बस जल्दी से ले आऊंगी। और मुझे लगा था मेरे इस नए हेयर स्टाइल से ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता, बट नहीं, ये हिमेश रेशमिया की बहन की आवाज जो कानों में चुभती है ना, मेरे पॉपकॉर्न की शॉर्ट पेप्सी खत्म हो गई, अभी मुझको लाना पड़ेगा, मुझको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा।
हाँ, प्रैंक करने के लिए अच्छा मौका। इसके लिए तुम्हें एक रिमोट और कुछ टेप चाहिए। बस तुम्हें बटन के ऊपर डबल साइडेड टेप लगानी है और बस कांच की टेबल के नीचे इसे लगा दी। ठीक है, मेरी प्यास बुझ गई। हे, रिमोट कहाँ गया? ये क्या है? ये कैसा ट्रिकरी सा रिमोट है? क्या मुझे ग्लासेस चाहिए या मेरी आंखें घूम रही हैं?